आगे आपका अफगानिस्तान भाई, ये क्या आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान छोटे में लिखा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ अफगानिस्तान भाई, ठीक है। आप समझ रहे हैं अफगानिस्तान देश की बात हो रही है, नगर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो अफगानिस्तान है इसकी सीमा रेखा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, किसके साथ रहे? ये यहां ये जो सीमा रेखा लग रही है ना इसके साथ, ये वाली जो सीमा रेखा है, यहां पे आप कह सकते हो कि पीओके की जो रेखा सर वो कहां से लगती है, पीओके की जो रेखा है, क्योंकि ये फिर पाकिस्तान आ गया, ये क्या आपका पाकिस्तान आ गया। हम जब भी बात करते किसकी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो इंटरनेशनल जो रेखा है, रेखा का नाम क्या है, डुरंड रेखा। क्या नाम है उसका, डुरंड रेखा भाई। डुरंड जो रेखा है ये रेखा बाहर तो किसको, अफगानिस्तान को अलग करती है, हम बोलते हैं ये बात को, ठीक है। बड़े ध्यान से चलेंगे भाई इस क्वेश्चन को लेकर के, बहुत दमदार क्वेश्चन आपका ये। तो ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की वर्तमान में सीमा की अगर हम बात करते हैं तो किससे लग रही है आपकी, पाकिस्तान से लग रही है, हमसे एक्चुअल सीमा लगती ही नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन बता कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे कम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, कहीं कहीं आपको 106 मिलता है, कहीं कहीं 110 आपका किलोमीटर लिखा मिल जाता है, किलोग्राम मत कर देना, कुछ लोगों ने किलो लिख दिया होगा ना, ठीक है। चलिए ये हो गया एक हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जो हमारे इंटरनेशनल रेखा ढूंढ रेखा हमें भारत से, भारत से अलग करते हैं अफगानिस्तान को। उसके बाद है ये हमारा विशेष प्रेमी देश पाकिस्तान, कौन सा देश है, कमीना पाकिस्तान, कमीना सुकेर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान भाई आपका पाकिस्तान, भगवान करे इसको कभी सद्बुद्धि दे, पर देगा क्या, तब तक तो भारत में विलय हो जाएगा, जब तक इसको सद्बुद्धि आएगी तब तक ये भारत में विलय हो जाएगा, है ना। हमारी आने वाली जनरेशन है ना कभी पढ़ा करेंगी। सुदेश परमार 106, चलिए थैंक यू भाई, वेलकम है आपका भी, ठीक है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को आप किस नाम से जानते हैं भाई, तो ये आपका रेड किल्फ, रेड किल्फ। फंसेंगे आप लोग यहाँ पे, पक्का फंसेंगे, 100 रुपए नगद प्राइस दूंगा अभी क्लास छूटते ही, क्लास छूटने से पहले मैं हमारे टेक्निकल टीम जो सूरज और उज्ज्वल खड़ी इनको बोल दूंगा 100 रुपए इनका अकाउंट में डाल दो भाई। क्वेश्चन मेरा ये है कि रेड किल्फ को किसने सीमा का निर्धारण करने के लिए किसने भेजा था, 10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, किसने रेड किल्फ को सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण करने के लिए भेजा था, कि कहां कहां तक भारत की सीमा रहने वाली, कहां कहां तक आपका ये रहने वाला है। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है ये जल्दी मुझे बताए, अफगानिस्तान की राजधानी बताओ पहले मुझे, अफगानिस्तान की राजधानी बताओ, ऐसे नहीं है तुम, मैं पढ़ाता रहूंगा तुम्हें ना नींद में रहोगे सारे के सारे, ऐसे तो मजा आएगा नहीं, है ना, ठीक है। झूठ मूठ लाइक कर देते, झूठ मूठ चलते रहते सर। चलिए हो गया पीओके, हो गया ऊपर वाला आपका इलाका हो गया, ओके। यहाँ पर एक नगर दिखाया जा रहा है, आपको ध्यान हो तो, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन कराने का मन कर रहा है मेरा, ये है नगरों का नगर, एक श्रीनगर, इस नगर की स्थापना किसने करी थी, श्रीनगर की स्थापना भाई, स्थापना किसने करी थी, तो ये पूछा जाता है। तो ये श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये जल्दी कॉमेंट्स करके बताएंगे। नेहरू, नेहरू गलत आंसर है, नेहरू 100% गलत आंसर है भाई आपका। काबुल, अच्छा काबुल क्या बात है, राजधानी बता रहा है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बता रहा है। मुझे ये बताओ श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, जिसने श्रीनगर की स्थापना करी है उसी भाई ने क्या किया है, आपको बता दूं उसी भाई साहब ने क्या किया है आपका, तो श्रीनगर श्रीलंका में भी, सॉरी नेपाल में भी एक नगर स्थापित किया, नेपाल में भी एक नगर की स्थापना करी थी जिसने श्रीनगर को बसाया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे आपका, झेलम नदी के किनारे भाई, कहां पर, अशोक सम्राट अशोक, वेल्डन सने लता यादव, बहुत बढ़िया भाई आपका, तो अशोक ने करी थी, आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आपके दो देश होंगे, एक अफगानिस्तान होगा, दूसरा आपका कमीना पाकिस्तान होगा। चलिए तीसरे देश की बात करें तो बच्चा बेचारा ना, तीसरा देश एक बहुत तगड़ा टॉपिक है, ये जो नेपाल के जो लोग रहते हैं उन्हें गोरखाओं के नाम से जाना जाता है, नेपाली कहा जाता है, नेपाली लोग अब आपके किस में, वेगनार ग्रुप में जा रहे हैं, आपकी जो किराए की आर्मी है उससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, आज हो सकता है मैं वीडियो कल आपके बीच में लेकर के आऊं, बहुत शानदार टॉपिक है, हर स्टूडेंट इसको सुनेगा कि भारत पर क्या असर होगा, भारत पर कितना नुकसान हो सकता है वेगनर ग्रुप में अगर ये शामिल होते हैं तो, क्योंकि अब ये अब तक ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारी सेना में भर्ती होते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं आपको बता दूं, और जेसीओज भी बनते हैं, सारी चीजें रहती हैं। तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की सीमा रेखा हमारे साथ लगती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी राजधानी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उसके बाद एक बेचारा देश है छोटा सा भूटान, मेरे जैसा बड़ा वाला है ना, भूटान की राजधानी क्या है थिम्पू, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी, ठीक है। चलिए ये देश हमारा, उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं यहां पर आपका म्यांमार, ये आपका म्यांमार जो है ये हमारे साथ जलीय सीमा साझा करता है, कौन सी सीमा साझा करता है भाई हमारे साथ, ये जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। अब यहां पर आपका एक देश और आएगा, यहां पर एक देश और आ रहा आपका, ये ध्यान हो किसी को, ये ध्यान हो, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आपकी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर इंटरनेशनल जो रेखा है ये हमारे साथ सेट करता है, और एक त्रिपुरा नाम का एक स्टेट है जिसको तीन तरफ से घेर के रखा हुआ है, बिल्कुल थिम्पू ललित
पाटन नगर नेपाल। अच्छा शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा नया नाम भी बता रहे, पुराने बता रहे, चलिए भाई ठीक है। ये था आपका बांग्लादेश, आपसे पूछा देखो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रेखा किसके साथ लगती है, तो आपकी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश पैदा किसने करवाया था, तो इंदिरा गांधी ने करवाया था, कब, 1971 में, किसके टुकड़े करके, तो बस आप समझ रहे हैं, सबको पता है ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। ये था आपके बीच में, हमने चीन की बात करी, चीन में अभी आपका मैं बात करूं तो आपके बीच में नेशनल जो डिफेंस मोबिलाइजेशन ऑफिस की स्थापना करी, ये क्वेश्चन था आपके बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसकी हम बात करेंगे, आज बड़ा शानदार